हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। इवनिंग का टाइम है, 7:30 हो गए हैं और मैं अभी अभी इवनिंग वॉक से आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने व्लॉग्स में पहले भी बताया था कि मैं शाम के टाइम तकरीबन 6 बजे के टाइम मंदिर जाती हूँ और साथ में थोड़ा सा इवनिंग वॉक हो जाता है। तो बस मैं अभी आई थी, तकरीबन 5-7 मिनट पहले ही आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और तो अभी अभी आई थी और आते ही इतनी थकान महसूस हो जाती है कि एक बार तो आराम से बैठ के 10-15 मिनट तक आराम से, ये बड़े वाला गिलास है ना, ये पूरा पानी का पीती हूँ मैं आराम से बैठ के 10-15 मिनट तक। क्योंकि कई देर चल के आते हैं, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो चलते ही हैं। और ये कुछ मिर्ची लेके आई हूँ क्योंकि आजकल है ना, हमें जो हरी मिर्च को छोंकते हैं ना, फ्राई करके खाते हैं, वो खाने की काफ़ी आदत बनी हुई है मेरी भी और हस्बैंड की भी। बेटा तो नहीं खाता है, हम दोनों ही खाते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को उठा दूँगी। ये बैग भी जो मैं मंदिर लेके जाती हूँ यहीं रखा है, और ये यश का बैग भी, ट्यूशन लेके जाता है इसको, वो भी यहीं रखा था। तो सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर, मुझे ऐसे फैली हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बस इनको उठाने में लगी रहती हूँ पूरा दिन। तो मैं इसको रख दूँगी अपनी अलमीरा में, क्योंकि इसमें ना पूजा की चीज़ें होती हैं तो फिर बाहर ऐसे ही वैसे हाथ लगते रहते हैं। तो मैं ना इसको उठा के अलमारी में ही रख देती हूँ। और यस, और उसके पापा भी गए थे, शादी में गए हुए हैं, गाँव में है शादी, अभी गए थे वो तकरीबन 7 बजे के आसपास, आ जाएंगे वो 10-11 बजे तक रात को। तो ऐसे ही कपड़े वगैरह ऐसे ही फैला के चले जाते हैं, आदत बनी हुई है पापा बेटे की। तो मैं पीछे से उनको समेटने में लगी रहती हूँ उठाने में। तो बस मैं वही सब चीज़ें उठा रही थी और अपनी अपनी जगह पे रख रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। एक तो छोटा है घर ये, मतलब फिर ऊपर से चीज़ें बिखरी पड़ी रहें तो बहुत गंदा लगता है, बहुत मैसी मैसी सा रूम लगता है। तो मैं जो डेली यूज़ के कपड़े वगैरह होते हैं तो मैं स्टैंड पे रख लेती हूँ, बाकी तो कहीं मतलब इतनी खास स्पेस नहीं है, कहीं रखने की इतनी अच्छी जगह नहीं है, तो मैं स्टैंड पे रख लेती हूँ। तौलिए वगैरह होते हैं तो स्टैंड पे ही पड़े रहते हैं। शाम की जोत भी वही लगा के चले गए थे, पता नहीं यस ने लगाई या उसके पापा ने लगाई, दोनों ज़्यादातर दोनों में से एक ही लगाता है शाम की जोत। तो वो लगा के चले गए थे, क्योंकि मैं आती हूँ तो काफ़ी मतलब अंधेरा हो जाता है, लेट हो जाते हैं, तो वही लगा देते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये कुछ सामान लेके आई थी, जैसे बनाना केले भी ख़त्म हो गए थे। और एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो केले मैं बाहर रखती थी तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, तो ये तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगा। अखबार में ना इनको रख के लपेट के अच्छे से कवर करके, और मैं ना इनको फ्रीज में रख देती हूँ, तो बिल्कुल अच्छे ऐसे के ऐसे रहते हैं ये, कई दिनों तक चल जाते हैं, कम से कम 10-12 दिन 15 दिन तक तो आराम से चल जाते हैं ये केले फ्रीज़ में। ऐसे अगर हम अखबार में लपेट के उसको अच्छे से रखते हैं तो बाहर ये जल्दी ख़राब हो जाते, 2 दिन में ही ख़राब हो जाते थे। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया था ये आइडिया, मुझे नहीं पता था कि ये केला फ्रीज में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि पहले घर पे रखते थे ना तो फिर स्मेल सी हो जाती थी हर चीज़ में। तो उसने बताया कि अखबार में लपेट के अच्छे से इनको और फ्रीज़ में रख दिया कर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका। तो दूध निकाल लूँगी और मलाई वगैरह उतार लूँगी इसकी। तो सुबह भी यही दूध यूज होता है, सुबह के लिए मैं अलग रख दूँगी। और अब तो मैं ही हूँ, वो तो पता नहीं कितनी लेट आएंगे, आने के बाद तो मुश्किल है उनका दूध पीना, नहीं पियेंगे शायद, तो मैं दही जमा दूँगी।
जितना भी मतलब ज़्यादा दूध बचेगा उसके सारे की ही दही दही जमा दूँगी, सुबह रायता वगैरह बना लेंगे। और ये कपड़े कुछ वॉश किए थे मैंने तो ऐसे ही फैले पड़े थे, मुझे बहुत आलस आता है कपड़े मतलब प्रेस करने में, तो मैं 2-3 दिन इकट्ठे करके तभी प्रेस करती हूँ। तो मैं इनको ना प्रेस वाले अलग निकाल लूँगी और जो तह करके रखने वाले हैं उनको मैं अभी तह करके रख दूँगी, क्योंकि आज तो काफ़ी टाइम था, खाना वगैरह इतना बनाना नहीं था, मैं ही थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी पड़े हैं बेचारे कुर्सियों पे अच्छे नहीं लगते पड़े पड़े, तो इनको भी अपना सबसे पहले समेट के रखते हैं। कपड़े वगैरह सारे समेट के रख दिए हैं, प्रेस वाले अलग, प्रेस अभी नहीं करूँगी, कल टाइम होगा काम वगैरह करने के बाद सुबह तो उस टाइम कर लूँगी। और आ गई थी मैं किचन में, ये आलू छोले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने तो ये रखी है, लेकिन मैंने इसे नहीं खाऊँगी अब, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी कम ही सूट करती है बासी सब्ज़ी। और ये है करेले की सब्ज़ी तो ये खाऊंगी मैं, क्योंकि करेले वगैरह ये मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करते, एसिडिटी वगैरह कम बनाते हैं, तो यही खाऊंगी मैं। तो मेरा डिनर लग गया है, ठंडा दूध एकदम से चिल्ड और करेले की सब्जी, रोटी और हरी मिर्ची है ये जो मैंने फ्राई कर रखी है। और दिन में ना मैंने छोले की सब्जी बनाई थी ना, तो पूरी बनाई थी, एक पूरी बची हुई थी तो वो भी मैंने ले ली है। तो कर लेती हूँ मैं अपना डिनर अकेले ही, आज तो अकेले ही करना पड़ रहा है, ना ही यस है ना उसके पापा हैं, तो कर लेते हैं, पेट तो भरना ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में और फिर बताती हूँ कि वो खुशखबरी क्या थी जो मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था, खुशखबरी ब्लॉग बनाया था जो मैं, वो बताऊँगी कि वो खुशखबरी। वेलकम अगेन, काम मेरा सारा हो गया है, अभी बर्तन साफ़ करके हटी हूँ, खाना वगैरह खा के बर्तन साफ़ किया और किचन अच्छे से साफ़ की, दही वगैरह जमाई, तो बस अभी फ्री हुई थी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर रखा है और वो खुशखबरी आप लोगों को बता देती हूँ क्या है वो खुशखबरी, और अपने व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो खुशखबरी, कुछ लोगों ने तो मतलब सही अंदाज़ा लगाया है, 2-3 हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो मुझसे, जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं व्हाट्सएप पे भी हैं, उन्होंने तो ठीक अंदाज़ा लगाया कि मेरा जो है घर बनना स्टार्ट हो गया है हमारा, उन्होंने अच्छा सही अंदाज़ा लगा। कुछ लोग ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल व्लॉग, नाइस शेयरिंग, कम से कम व्लॉग को पूरा तो देख लिया करो, रिक्वेस्ट आप सभी से तो ऐसा मत किया करो, कम से कम कुछ 3-4 मिनट का व्लॉग तो ज़रूर देखा करो, तभी तो पता चलेगा कि व्लॉग में क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा मत किया करो बिल्कुल। पता नहीं लोग व्लॉग देख लेते हैं लेकिन लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। तो फाइनली मैंने बता दिया है कि हमारा घर बनना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन अप्रैल के 1st में स्टार्ट हो गया था, तो वो आगे मैं सारे अपडेट्स देती रहूँगी कहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ है, और अभी जब जहाँ पर हम रह रहे हैं ये किसका घर है, यहाँ पर कैसे रहते हैं हम, रेंट पे रहते हैं, हमारा अपना ही है ये भी, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।
तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो जिसने भी सही अंदाज़ा लगाया है, जिसने भी मेरे व्लॉग्स देखे हैं, तो उनका दिल से थैंक यू, दिल से तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए करते हैं अपने इस व्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।